सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक खबर में आप सभी का स्वागत है। सभी दर्शकों को आज लेके चलते हैं हमारे हुड्डा सिटी पार्क में, जहां पर शाम के टाइम सभी बुजुर्ग बैठकर यहां पे अपना टाइम पास कर रहे हैं। तपती गर्मी के अंदर जितना सूरज ने कहर ढा रखा है, देखते हैं क्या उतनी ही गर्मी हमारे लोकसभा चुनाव में क्या रंग लेके आती है। आप सभी को मिलवाते हैं कि लोगों का क्या विचार है यहां के लोकसभा चुनाव को लेकर। ऑर्डर दे देंगे दीपेंद्र ने और ऊपर मोदी ठीक से। हम तो कांग्रेस नहीं देंगे, ऊपर भी तड़ाई भी। हाँ जी, ओके सर, आप किसको वोट देंगे? दीपेंद्र को देंगे। दीपेंद्र को वोट देंगे, ओके, आप दीपेंद्र को। अच्छा, कोई खास बात इसके लिए कि सभी दीपेंद्र को वोट कर रहे हैं? इन्होंने कुछ काम तो नहीं किया, कुछ भी नहीं किया रोहतक में। ओके, जैसे रिपेयर करे और बोलो, रोड भी रिपेयर नहीं करा कोई भी। हाँ, बोर तो कुछ है जो तो बताने की बात नहीं। हर एक बात को जो ना घुमा फिरा, खुद जात पात की कर उल्टा उन्हीं पे थोप देते हैं, खुद शुरू करते हैं बात को और जिलेबी बना के चल भाई। कांग्रेस ने ये कह दिया, किसी ने कोई कभी वो नहीं किया भाई सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, लेकिन जो ना इन्होंने हमेशा जो ना दूसरों पे थोप देते हैं, किसी ने वो नहीं मांगा हिसाब किताब। बात को घुमा फिरा के उल्टा थोपने की कलाकारी है इनमें और कुछ नहीं है इनके पास। ये बोल रहा था कहाँ गया मोदी, ये रोहतक जड़ रहा था, वो वहाँ गद्दी पे बैठा था, उन्हें देखा रोहतक का, रोहतक में क्या हो रहा है, कहाँ गए वो वोट मांगेगा यहाँ, उसको एक पाई भी नहीं मिला यहाँ वोट की, एक पाई भी, उसकी जमानत जब्त होगी। खुद आग लगवा के और उल्टा जो है ना दूसरी पार्टी पर थोप रहे हैं जो, और उसकी जांच एक कोठी की जांच सीबीआई की हो रही है और बाकी जो है ना सारा शहर जड़ा उसकी कोई जांच नहीं सीबीआई की। उल्टा जो है ना करके खुद चोर वो कर रहे हैं, इनका बहुत गलत सिस्टम है। मैं दूंगा दीपेंद्र को। दूसरी बात है, अभी ये कह रहे हैं ना मोदी मोदी लहर, कैंडिडेट इनको मिल नहीं रहे कि भी सनी देओल को उठाए ले रहे हैं। विनोद खन्ना की घरवाले तो ये बोल रही है, मैं मेरे को पहले ये कह रहे थे टिकट देंगे, अब उसको सनी देओल को दे रहे हैं। मोदी लहर है फिर उनको उसको क्यों पकड़ के ले रहे हैं? यहाँ विनोद शर्मा कांग्रेस में कल था, अगर उसको टिकट नहीं देते उल्टा कांग्रेस मानता। नहीं नहीं, देखो आपकी बात सुनी जाए, आप बोलोगे जनता ही तो है, वहाँ तक बात पहुँचनी चाहिए उनकी। आपको वोट देंगे आप? हमने तो कांग्रेस की देनी है। चलो सही है, यहाँ पर सभी जो है समर्थक आपने दिखाई दिए, ज़्यादातर किसकी वोट है ये हमारे यहाँ पे कांग्रेस ही का। नेक्स्ट हमारा एक और ग्रुप है, अभी उनसे भी जान लेते हैं कि उनका क्या मत है। दीपेंद्र को देंगे, इसमें कोई शक नहीं है, मोदी से बिल्कुल खिलाफ है, ये सिर्फ झूठ के हैं और कुछ नहीं, ना धरातल पर कोई काम है ना कर्मचारी भी सारे के सारे नाराज कर रखे हैं, सबके में मतलब किसान नाराज कर रखे हैं, मजदूर नाराज कर रहे हैं, व्यापारी सबके में खिलाफ है इसकी। एक अंकल जी यहाँ पे बोलना चाह रहे थे, सारा तो रोहतक पकवा दिया मोदी ने और सारी जात नैरी नैरी करा दिया, कहें ओ पार्टी जना भट्ठा गोल कर दिया, एक वोट नहीं मोदी की। देखो मैडम ऐसा है, अभी हर चीज़ अपने लालच में करता कोई भी, सही वोट बल कोई भी हो कि सोचे भी मेरे फेवर में हो, लेकिन हमने तो एक चीज़ देखी है, 60 साल मेरी भी हो चुकी भी, इतनी बार पार्टी आई है, कांग्रेस भी आएगी, बीजेपी भी आएगी, नई पार्टी चल पड़ी, न तो ये बेरोजगारी ख़त्म हो सकती, न ये भ्रष्टाचार ख़त्म हो सकता, ये हमारा तजर्बा है। अच्छा ये बताओ, जैसे ये कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत है, हमारे जो युवा हैं अभी लगभग जितना हमें आंकड़ा पता है 35 करोड़ के लगभग 18 से 28 साल के बच्चे हैं, तो उनको रोजगार नहीं मिलता, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण ये, जैसे भी एक तो जैसे हमारे खुद में सीआरपी के अंदर इंस्पेक्टर से पेंशन आया हूँ, पहले 60 साल थी, फिर 55 किया, फिर 57 किया, मैं 57 एज में पेंशन आया, अगर वो 55 रहती तो 4 साल 60 किया, 4 साल के बाद नए बच्चों को रोजगार मिल सकता है। दोबारा फिर बीच में क्या गया था, टीचर थे रिटायर हो गए, दोबारा उनको फिर ले लिया, डॉक्टरों को फिर ले लिया, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? ये अभी जो बताया था कि प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना लगाई गई, ये किस इतना इसके बारे में कितना जानते हो? इसके बारे में ऐसा देखो जी, चाहे कोई खुद बाप भाई भी क्यों ना एक मिनिस्टर आ जाए, सबकी तमन्ना पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो दीपेंद्र को वोट देंगे और कुछ नहीं कहना चाहते। आप किसको जिताओगे सर? आपकी वोट किसकी है, बहुमूल्य की? मैडम हम तो कहते हैं कि एक नेता है, एक तरह अगर चुनाव जीत जाता है तो उसकी पेंशन बन जाती है, और एक वोट कर 60 साल नौकरी करते हैं उसकी पेंशन नहीं बनती, चक्कर क्या है इसमें? ये आप सरकार से पूछना चाहते हैं कि भाई ये क्या कारण है इसके पीछे, तो आप
हाँ जी सबसे ज्यादा है एक उसके ऊपर थपकी मारे हैं और अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं। कर्मचारी 30-30, 35-35, 40-40 साल नौकरी करके आ जाता है, उसकी पेंशन बंद कर दी इनने। ये कौन सा इनका वो है, जबकि जो पब्लिक का नुमाइंदा है उसको ना तो तनख्वाह होनी चाहिए और ना पेंशन होनी चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए उसके लिए, सिर्फ एक कर्मचारी की पेंशन होना चाहिए। ये बीएसएफ है, ये लड़ाई लड़न लाग रही है, उसकी तो पेंशन नहीं। और ये जो ये बैठे हैं ऐश लेन ला रहे सीएम है, इनकी पेंशन है, ये कौन सा तरीका है इनका? अंकल जी ने सही ये बात बताई कि जो अध्यापक है नई भर्ती के बजाय दोबारा को भी ले लिया। हाँ दोबारा भी ले लिया, क्यों ले लिया? नए छोरे क्यों नहीं भर्ती करे ये नए छोरे? ये ठेका ले रहे हैं, सारे ठेकेदार इनके बिके हुए हैं, सारे दौरे पीछे ले हैं, इनको भ्रष्टाचार बंद कराएंगे, सबके में लूट लिया इनने, इनको हम ईमानदारी से काम कराएं, कैसे ईमानदारी से काम होगा? सारे मंत्री भ्रष्ट हैं इनके। शहर से दीपेंद्र हुड्डा को क्यों सर? दीपेंद्र हुड्डा जी ने विकास करवा रखा है यहाँ पर आईआईटी बनवा रखी है और काफ़ी सारे खेल के इंस्टीट्यूट भी बना रखे हैं और पीजीआई वगैरह बहुत सारे काम कर रखे हैं, नेशनल हाईवे वगैरह, स्टेडियम वगैरह बहुत काम किए हुए हैं। आप बताएंगे अंकल जी किसको वोट देंगे इस बार? आपकी बड़ी गिनती वोट है, कांग्रेस को वोट देते हैं इस देश में प्रधानमंत्री ने भी हमारे सांसद को सर्वश्रेष्ठ सांसद बताया है, ठीक। सुमित्रा महाजन जी स्पीकर हैं, उन्होंने भी बढ़िया बताया है, और अपना सुषमा स्वराज जी तो संसद में ये यहाँ तक कह दिया कि ऐसा संसद बेटा हर माँ जने। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे आप? मैं यही संदेश दूंगा कि भाई दीपेंद्र को बहुत ज़्यादा वोटों से जिताएं और अपने सांसद को इतना लचीला है और इतना स्वच्छ छवि का सांसद और इतना लेबोरियस सांसद देश में और कोई नहीं है। जी सर, किसको वोट दोगे आप? हमें उठा गया। क्या बता सकते हैं कारण वगैरह कि क्या कुछ काम कर रहा है? सारा काम कर रहा है, क्यों कर रहा है? खूब काम करा रखा है, सारा बढ़िया। अच्छा, आपका काम करवा रखा है? किसका? सभी करवा दिए, सब एक से करवा दिए। आप बंटे हो गया सारे हुड्डा की? हुड्डा दस साल यहाँ पे राज करके गए और बाकी जो पाँच साल गए उनमें क्या एहसास हुआ आपको, किस चीज की कमी लगी? हाँ, कुछ नहीं हुआ पाँच साल में यहाँ, सब के जड़ा दिया था जब मोदी जीत गया था, नई गुंडागर्दी हुई है, इसे सरकार ने छापो ये सब कुछ पढ़ दिया, पढ़ दिया ना भाईचारा, छत्तीस के 35 बना दिए और क्या करेंगे इस तक। कांग्रेसी देंगे इन्हें तो मारे 10 रुपये भी काट लिए, 10 रुपये भी निकाल लिए। कैसे निकाले? मोदी ने निकाले कैसे? ले लिया। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि औरतों ने जो छिपा के रखे हुए थे वो सारे बाहर आ गए? मैं मैडम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, जिसने विकास किया हम उसको अपने वोट देंगे। हमारा रोहतक का विकास, लोकसभा का विकास दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है, हम दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ विकास के काम हम इनको वोट देंगे। जिन्होंने हमारे देश के हमारे फौजियों को मरवाया उनको हम कभी वोट नहीं देंगे। इन्होंने 2019 में भी ऐसे किया था, 2014 में भी ये किया था, आने वाले 2024 में भी यही करेंगे। इनका एक ही मकसद है, भाईचारा खराब करो और अपनी सरकार बनाओ। अच्छा, यहाँ पे हमें जो अभी लेडीज से सुनने को मिला है, जितना भी इन्होंने बताया कि धन को लेकर भाई जो काला धन था या जो भी मनी बंद किए गए थे उसमें इन्होंने कहा कि इनका छुपा हुआ भी बाहर आ गया, मतलब लेडीज के लिए तो एक चीज़ थी कि उन्होंने छुपा के रखे हुए थे पैसे, तो इसमें आपके क्या विचार है, किस तरह से धन को छुपा के रखना चाहिए? धन को छुपा के तो मैडम ये कोई बाण बेटी आगी अपने उसके लिए रखते थे पैसे, इन्होंने वो भी निकलवा दिया, कह रहे थे आम आदमियों को लाइन में लगवा दिया, कोई भी ब्लैक मनी कहीं पे नहीं मिली, ये एक इनका ड्रामा था, एक इनके जुमलेबाजी थी इनकी। तो इसी के साथ सत्या न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का धन्यवाद, और जितने भी दर्शक हैं हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह की सत्य खबरों के साथ हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। कैमरामैन नितेश, बबीता फोगाट, रोहतक। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।